हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जूनियर कॉलेजेस में लेक्चरर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन फाइनल डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। 1473 परमानेंट पोस्ट से यहाँ पर लेक्चरर के लिए। सबसे खास बात यहाँ पर है, बीएड मैंडेटरी नहीं है, जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर्स डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, वो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सैलरी पे स्केल ऑफर हो रही है, तो हम पूरी डिटेल कवर करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की तरफ। डिटेल नोटिफिकेशन आई हुई है। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 1473, इन विच 991 वैकेंसीज आर फॉर मेल ब्रांच एंड 482 वैकेंसीज फॉर फीमेल ब्रांच। यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख लें, ये मेल ब्रांच के लिए सब्जेक्ट्स हैं और हम इसे डिटेल में देखेंगे, और इसी तरीके से फिर फीमेल ब्रांच में इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल 482 है फीमेल में और 991 है मेल ब्रांच में। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आई हुई है एटसेट्रा। नोटिफिकेशन की जो सबसे खास बात है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ है किसी भी विश्वविद्यालय से, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में, मींस कंसर्न सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर पीजी या मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड मेंशन नहीं है, सिर्फ बीएड उनके लिए चाहिए जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री है वो यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है। वैकेंसीज आई हुई है उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन की तरफ से। एडवर्टीजमेंट है 22 दिसंबर 2022, ये यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं। आज बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। ये वेबसाइट की वो सेक्शन है जहां पर एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी, इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो पढ़ सकते हैं। डॉक फाइल भी है, पीडीएफ भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से इसे पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सैंपल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दी हुई है। तो चलिए हम मेन मेन चीजें हाईलाइट इसमें पढ़ लेते हैं। मेल ब्रांच में जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश फिजिक्स, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ लिखे हैं, बाइफर्केशन रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी एटसेट्रा के लिए कितने सीट्स हैं ये यहाँ पर डिटेल दी हुई है। सब्जेक्ट्स मैं पढ़ देती हूँ आपको, मेल ब्रांच में हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स संस्कृत इकोनॉमिक्स सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी एजुकेशन उर्दू कॉमर्स। और इसी तरीके से अगर फीमेल ब्रांच में जाएं हम तो फीमेल ब्रांच में भी हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ संस्कृत इकोनॉमिक्स सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सोशियोलॉजी एजुकेशन उर्दू कॉमर्स होम साइंस है। तो जिनके पास पीजी या मास्टर्स डिग्री है इन सब्जेक्ट्स में वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फी देखें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फी है वो 125 रुपीज है, तो फी भी बहुत नॉमिनल है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज के लिए 125 है, जिसमें एग्जाम फी है 100 रुपए एंड प्रोसेसिंग फी है 25 रुपीज। अब यहाँ पर बाकी कैटेगरीज के लिए फीस यहाँ पर दी हुई है जो ज्यादा नहीं है, नॉमिनल चार्जेस है 65 रुपीज 25 रुपीज एंड 65 रुपीज, वो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ मास्टर्स या पीजी होना कंसर्न सब्जेक्ट में काफी होगा और प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जिनके पास एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड की डिग्री है, तो उनको जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 22 जनवरी 2021, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 दिसंबर 2020। तो 22 दिसंबर 2020 से शुरू हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन और 22 जनवरी 2021 को लास्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 इयर्स मिनिमम है एंड मैक्सिमम 40 इयर्स है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन से कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिली है। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रिटन एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू जो ये होने वाली है सिलेक्शन फाइनल होने वाली है। पे स्केल यहाँ पर देखिए 9,300 to 34,800 की पे स्केल है, जिसपे ग्रेड पे है 4,800 लेवल 8। तो यहाँ पर मिनिमम सैलरी कैलकुलेट अगर करें तो मिनिमम 40,000 पर मंथ तो सैलरी जरूर बनेगी।
सैलरी एक बार आप और कंफर्म कर ले, मिनिमम मैंने बताया 40,000 तो बनेगी, इसके ऊपर भी बिल्कुल बन सकती है सैलरी। इसके अलावा जो है दो स्टेप में होंगे एग्जामिनेशन, पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो क्रॉस करेंगे पास होंगे क्वालिफाई होंगे उनके लिए फिर मेन एग्जामिनेशन होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, उस पर बेस्ड मैं अगर दूसरी वीडियो की जरूरत हुई तो मैं दूसरी वीडियो भी आपकी क्वेरीज को कवर करके जरूर बनाऊंगी और बहुत ही जल्द बना दूंगी। बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच। इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बेस्ट विशेष।